एवरीवन, जय श्री राम। सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक और नया अपकमिंग आईपीओ के ऊपर। तो दोस्तों, हम इसमें पूरा रिव्यू करेंगे, कंपनी करती क्या है, इसका फ्यूचर क्या रहने वाला, से हम पूरा इसमें रिव्यू करेंगे। यानी हम इसका कंपनी सेक्टर की बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। पर मैं आपको बताऊँगी कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी करती क्या है, जैसे हम बात करेंगे कंपनी का, हम जीएमपी की बात करेंगे, फिर इसका हम बात करेंगे कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला, फिर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा आपको। कंपनी के फाइनेंशियल भी हम देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, सब कुछ हम आपको रिव्यू करेंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहा हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा हो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो एवरीवन, चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। अब जैसे कि मैं पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देख रहा हूँ, उससे थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। अगर जैसे मैं बात करूँ जो कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है, जैसे कि आपको पता ही है जो आईपीओ आने वाला है, जिसका नाम है सहनसरा जो लिमिटेड का एक आईपीओ आने वाला है। अब ये कंपनी करती क्या है, उसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि आपको पता ही है, आपको जो आप यूज़ करते हो, जो वेट वेट जैसे जो आप रैम यूज़ करते हो, जैसे जो फ़ोनों में मतलब मेमोरीज में फ़ोन में जैसे लगे रहते हैं, जैसे रैम होती है और एसडी कार्ड हो, जो यानी जिसे हम मेमोरी कहते हैं, और यूएसबी जो जो फ्लैश ड्राइव होती है, और एसएसडी, इसे मैन्युफैक्चरिंग करने का वर्क करती है। बाकी ये आईटी सेक्टर, वो लैपटॉप जैसे या कंप्यूटर जैसे, उसमें भी वर्क करते दिखती है, जिसमें आपको यहाँ पे जैसे जैसे दिख रहा है वो डेस्कटॉप में जो मदरबोर्ड होते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग करती है। या और एंटर जो मतलब सर्विस, जो सर यानी बड़े बड़े जो सर्वर होते हैं, उसके भी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हुए दिखते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये तो मैंने आपको थोड़ा इस यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाकी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो कंपनी करती क्या है। और हमें इसका पूरा बस इसमें लिखा है कंपनी करती क्या है, और हमें इसका पूरा रिव्यू देना, ये आईपीओ आ रहा है, क्योंकि आप इसमें अप्लाई करोगे या ना करोगे अपने डिसीजन से करना है एवरीवन। और मेक श्योर आप अपने रिस्क और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो मैंने बताया कंपनी करती क्या है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे मेन, जो ये हमारा है आईपीओ के रिगार्डिंग वीडियो। तो अब मैं आपको बताऊँ, तो ये वीडियो जैसे मैंने बताया आपको, जो आईपीओ का नाम है सहसरा लिमिटेड का जो आईपीओ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जैसे सॉल्यूशन लिमिटेड है। ये कंपनी लगभग 2023 में इनक्रॉप्ट हुई थी, यानी अपने सेक्टर में लगभग अभी कंपनी को 1 साल ही हुए हैं। ज़्यादा मतलब नई कंपनी नहीं है, पुरानी ही, सॉरी पुरानी कंपनी नहीं है, न्यू कंपनी है अभी, मैं सॉरी गलती से हो गया। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। रैम हो गई, जो हमारे मतलब जो कंप्यूटर में लगे रहती है, आईटी जो ऐसे स्टोर होते हैं, जैसे रैम हो गई या यूएसबी ड्राइव हो गई, मेमोरीज हो गई, इसे मैन्युफैक्चरिंग करने का वर्क करती है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसे भी कंपनी कम से कम मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये मुझे बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, लैपटॉप्स हो गए, टैब्स हो गए, उसमें सबके मैन्युफैक्चरिंग करने का वर्क करती है। और बाकी बात करें तो कंपनी के जो आईटी सेक्टर में भी अच्छा वर्क करते हुए देखिए कंपनी ने लगभग 1 ईयर में। तो अगर कंपनी की बात करें तो लगभग अभी 160 यानी 160 लगभग परमानेंट एम्प्लॉई है। तो दोस्तों, आप वीडियो का अंदर जरूर देना, क्योंकि इसमें पूरा हम डीप एनालाइज करेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ी बन सकती है, क्योंकि इसको इसमें नॉलेज लेने में, थोड़ा इसकी रिसर्च करने में मुझको भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत समय लगा, तब जाके हम हमने हमने थोड़ा रिसर्च करके आपको वीडियो करी है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं पूरा अपना जो मैंने रिसर्च करा, पूरा रिव्यू करा, एनालाइज करा, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आपको कहीं और वेबसाइट किसी भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी वीडियो में देखो, आप समझ जाओगे कि एक डिसीजन ले सकते हो। पर मैंने पहले बोला कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, आप अपने रिस्क और अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग ही आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। अगर मैं कंपनी के जो फाइनेंशियल की बात करूँ, तो लगभग जो मैंने आपको बताया लास्ट 1 ईयर की कंपनी है, तो कंपनी ने लगभग अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। यानी 1 साल में लगभग कंपनी ने डबल ग्रोथ से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली है। एसेट्स के अंदर जो बात करें तो कंपनी की बहुत अच्छी देखने के लिए मिली, लगभग 1 साल में कंपनी ने अच्छा एसेट्स में अपनी ग्रोथ दिखला दी।
अगर कंपनी की जो बात करते हैं कि जो आईटी सेक्टर है, जिसे लोग कहते हैं आईटी फ्यूचर है, पर आपको वीडियो का अंतर जरूर देखना, मैं इसमें लास्ट में ओपिनियन भी दूंगा अपना। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू में भी लगभग कंपनी ने लगभग 10x, यानी लगभग 10x तक कंपनी ने जो ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कंपनी के जो आफ्टर प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स है, तो कंपनी ने प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली। लगभग 1 ईयर्स में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर कंपनी के नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी के रख पर नेट वर्थ भी 3x तक बड़ी है, यानी 3 टाइम्स बड़ी है कंपनी की जो नेट वर्थ है। और कंपनी के जो कंपनी का रिजर्व है, कंपनी के रिजर्व भी कंपनी का जो रखे हैं, वो कंपनी का रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है अभी इसी वक्त, क्योंकि 1 ईयर में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। पर मैंने आपको बताऊंगा, वीडियो के अंदर जरूर देखना, मैं बताऊंगा अगर आपने कंपनी ने, अगर आप अप्लाई करते हो तो 1 साल पुरानी कंपनी का अगर अप्लाई करते हो तो क्या रीज़न हो सकता है। तो बस वीडियो को मेक श्योर आप अंत तक जरूर देखना। अगर मैं टोटल बोरिंग की बात करूँ तो कंपनी की टोटल बोरिंग में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर मैं फाइनेंशियल करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल मुझे ऑल दी पॉजिटिव देखने के लिए मिले हैं, जो कि बहुत सही देखने के लिए मिले हैं। और अगर मैं कंपनी के GNP की बात करूँ, जिस समय भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर हाँ, उससे पहले दोस्तों आपके इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आपने वहाँ पर जरूर हमें ज्वाइन कर रखा हो टेलीग्राम पे, और फॉलो जरूर कर रखा हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हम आपको वहाँ पे रील्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके आप ज्वाइन जरूर करें, जिससे आपको मेरे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय अभी इसका GMP बहुत अच्छा चल रहा है, लगभग 180 रुपये चल रहा है, यानी 180 रुपये इसका भी GMP चल रहा है, जो कि मुझे देखने के लिए प्लस पॉइंट लगा है अभी। वन जो लगा है मतलब 180 पॉइंट, मतलब 180 रुपये लगा है, जो मुझे सही देखने के लिए लगा अभी तक। तो बाकी दोस्तों GMP का अंदाजा रहता है तो थोड़े से लिस्टिंग इनका पता चलता है। बाकी तो अभी सेक्टर की बात करें तो अभी तो डिमांड में है, पर दोस्तों हमें वेट करनी चाहिए इसका सब्सक्रिप्शन का, जिसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि OII या FII इंटरेस्टिंग है या नहीं। पर बात करें तो अभी GMP तो अभी इसका बेटर चल रहा है, सही चल रहा है। बाकी GMP का अंदाजा होता है थोड़े से, थोड़े लिस्टिंग का भी पता चलता है, और बाकी ऊपर नीचे होता रहता है। उसके लिए मेक श्योर आपने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर रखा हो, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स न्यूज़ मिलती रहेगी। अगर मैं आपको बात करूँ तो कंपनी जो IPO ओपन होगा 26 तारीख को ओपन हो जाएगा, और 30 तारीख को आपको क्लोज होते दिख जाएगा। लिस्टिंग डेट की बात करूँ तो कंपनी का लिस्टिंग डेट अभी वीडियो के आगे आपको बताऊंगा मैं। कंपनी ने जो अपना फेस वैल्यू रखा है 10 रुपये पर शेयर रखा है, कंपनी का जो कट ऑफ है लगभग 283, कंपनी जो कट ऑफ रखा है अपना जो प्राइस है। और अगर मैं कंपनी का जो लॉट साइज कहते हैं लगभग 400 400 लॉट, मतलब 400 का जो शेयर्स हैं पर लॉट। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के जो लगभग 186 करोड़ 16 लाख कंपनी जो कंपनी इशू करते हुए हमें दिख रही है। और कंपनी के फ्रेश इशू की बात करें तो कंपनी लगभग 172 करोड़, यानी 172 करोड़ 1 लाख कंपनी इशू कंपनी के पास जाएगा पूरा। और जो 14 करोड़ 15 लाख रुपए जो कंपनी के हैं, कुछ प्रमोटर्स लोग हैं जो कुछ अपनी हिस्सेदारी सेल करते हुए दिख रही है, जो कि मुझे ये अच्छे देखने के लिए मिले, क्योंकि कुछ कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छी देखने के लिए मिली है। अगर कंपनी के हम वैल्यूज़ की बात करें तो कंपनी की ROE यानी रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय में लगभग 54% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। लास्ट 1 ईयर में लगभग कंपनी ने 100 में से 50% तक की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और इसके अगर मैं ROE की बात करूँ, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय की, लगभग 42% है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर डेब्ट की बात करूँ तो लगभग 0.3 से हम कह सकते हैं, यानी डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेब्ट हमें देखने के लिए नहीं मिला। बाकी कंपनी थोड़ा पैसे इसलिए मांग रही है, कंपनी को थोड़ा एक्सपेंड करना है, और कंपनी को थोड़ी अपना मतलब थोड़े खर्चे कंपनी के थोड़े हो रखे हैं, उसके लिए कंपनी वैसे पैसा मांग रही है। बाकी इससे कोई लोन रिपे करने की इसकी जी है नहीं, क्योंकि कंपनी वैसे लोन है ही नहीं, बाकी डेब्ट फ्री कंपनी है ये। ROM की बात करें तो यानी 54% रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय कैपिटल की जो, सॉरी कैप, यानी ROW होता है रिटर्न ऑफ नेट वर्थ, की कंपनी का नेट वर्थ में कितने परसेंट तक की रिटर्न, मतलब जो है रिटर्न, सॉरी रिटर्न देखने के लिए मिली। हाँ, और अगर मैं बात करूँ जो IPO ओपन होता है, मैंने आपको बताया था ओपन कब हो रहा है, 26 तारीख को आपको ये ओपन होते हुए दिख जाएगा। क्लोज की बात करूँ तो अभी 30 तारीख को ये क्लोज होगा, अभी हमें वेट करनी चाहिए इसका पर। अगर मैं बेसिक अलॉटमेंट की बात करूँ तो ये आपको अलॉटमेंट 1 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगी, कहाँ पे चेक करना है वो आपको टेलीग्राम में मेकश्योर आपने ज्वाइन कर रखा होगा। रिफंड की बात करूँ तो आपने लगभग 3 तारीख को रिफंड हो जाएगा। डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रिएट होंगे वो आपको 3 तारीख को
करेक्ट होते हुए दी जाएंगे। लिस्टिंग डेट में वीडियो के आगे आपको बता, सॉरी लिस्टिंग डेट तो 4 तारीख है, क्योंकि तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको लिस्टिंग डेट बताऊंगा, वो ये 4 तारीख को लिस्ट होएगा, वो भी आपको बताऊंगा किस सेक्टर में लिस्ट होगा। अगर मैं काम अब बात करूँ तो जो कंपनी का जो IPO ओपन होगा वो 30 तारीख को, मतलब सॉरी क्लोज हो जाएगा, तो जो क्लोज वो 30 तारीख को क्लोज हो जाएगा, उसी तारीख का आप अप्लाई कर सकते हो, वो शाम को 5 बजे तक का टाइम आपके पास है। और मैं आपको बताऊँ तो ये कंपनी लगभग NSE के सेक्टर में लिस्ट होएगा और किसी सेक्टर में लिस्ट होते ही देखेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक भी देखी तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी है, मुझे ये IPO बहुत अच्छा देखने के लिए लगा है। और मैं अपना अपना ओपिनियन दूंगा, उससे पहले आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर जरूर करना। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके अप्लाई या इसका अवॉइड करने की बताऊंगा। पर आपको मैं पहले बोलूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, आप अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। ये वीडियो सिर्फ आपको हेल्प देने के लिए होती है, हेल्पफुल यानी आपको एक डिसीजन मिल सके। पर अप्लाई करोगे तो अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। पर अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो सेक्टर है, मुझे कंपनी का सेक्टर बढ़िया लगा, और कंपनी का सेक्टर बढ़िया लगा वो कंपनी ने जो ग्रोथ देखने के लिए मिली, कंपनी में लगभग 1 ईयर में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। GMV भी अब इसका सब सही चल रहा है, अभी मैं पॉजिटिव की ओर आपको लेकर चलूँ, उसके बाद मैं नेगेटिव की ओर लेकर चलूँगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात करूँ तो GMV अभी सही चल रहा है, फाइनेंशियल कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, कंपनी सेक्टर बढ़िया है, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जो कि मुझे सही देखने के लिए मिला है। अगर मैं इसके नेगेटिव्स की ओर लेकर जाऊँ, सबसे नेगेटिव सी है, मुझे लगा कि कंपनी ने अभी लगभग स्मॉल कैप कंपनी है, 1 ईयर में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिली है, पर हम इसे अभी अभी इनके पास कोई जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इन पर इतना विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 1 ईयर कंपनी को हुए हैं। स्मॉल कैप कंपनी क्या पता अभी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, क्या पता फ्यूचर में ग्रोथ देखने के लिए मिले या ना मिले, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो कृपया अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो मैं तो इसको अभी होल्ड करता हूँ, सोचूंगा बाद में, बाकी अभी इसका वेट करना चाहिए। अभी तो GMV भी इसका सही चल रहा है, बाकी इसका भी सब्सक्रिप्शन जैसे ही आता है तो उसके बाद मैं आपको एक डिसीजन बताऊंगा। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर रखा होगा, वहाँ पर मैं आपको डिसीजन भी बता देता हूँ अपना, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों, मुझे ये IPO बहुत अच्छा लगा, बाकी अभी वेट करूँगा मैं भी। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना रिस्क और अपना एनालिसिस को अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट IPO के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, अच्छी वीडियो लगी हो आपको, हेल्पफुल लगी हो, नॉलेज मिली हो, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर इस वीडियो को जरूर करना, सभी लोगों तक ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं IPO में ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं बिना रिस्क या एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको एक हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो 10% तक की नॉलेज में मिले, तो आपने मेक श्योर आपने लाइक जरूर करना, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना, बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना जहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक नया अपकमिंग IPO के साथ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।